आगे बढ़ते हैं और खबर पंचायत में, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दौसा के बांदीपुल में रेलवे ट्रैक क्रैक आने से मचा हड़कंप, अचानक रेल लाइन में क्रैक हो जाने से रेल मार्ग बाधित हुआ। रेलकर्मी कंचन मीणा और गेटमैन बलवीर सिंह की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, करीब 23 साल पुरानी है पटरी। जालौर के सांचौर में बीजेपी प्रत्याशी दानाराम चौधरी ने की खत्री समाज के कार्यक्रम में शिरकत, खत्री समाज की तरफ से किया गया दानाराम चौधरी का भव्य स्वागत। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बोले दानाराम चौधरी, कहा सांचौर में बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को उतारा चुनावी मैदान में। सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी में चले जाने वाले युवा मुस्लिम नेता नियाज मोहम्मद की घर वापसी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस में शामिल होते ही समर्थकों में दिखा खुशी का माहौल। कांग्रेस सरकार में नियाज उप महापौर रह चुके। जालौर के सांचौर में बीजेपी प्रत्याशी दानाराम के समर्थन में व्यापारियों की सभा हुई आयोजित। व्यापारियों की सभा को सांसद देवजी पटेल सहित बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया संबोधित। सांसद देवजी पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी दानाराम चौधरी के समर्थन गिनाए काम, कहा क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा करेंगे दानाराम। सिरोही के पिंडवाड़ा में पेयजल के लिए जनता खा रही है दर दर की ठोकरें, जिम्मेदार उदासीन, ग्रामीण बेहाल, ग्रामीण जूझ रहे हैं भारी समस्याओं। पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के उंदरा ग्राम पंचायत के मूरी गांव का मामला है। विद्यार्थियों की विद्यालय में घर में बोतल लेकर आने को विवश उनको कर दिया गया। धौलपुर में मिलावटियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आए दिन एक के बाद एक खाद्य वस्तुओं में मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मनिया क्षेत्र के गांव बोधपुरा में की गई कार्रवाई, माफियाओं के बड़े कारनामे का किया गया खुलासा। एक आरोपी भागने में रहा सफल, दूसरे को मौके पर ही दबोचा। झालावाड़ के खानपुर बकानी थाना क्षेत्र के रिचवा गांव में अज्ञात बदमाशों ने की दुकान में सेंध मारी, ताला तोड़कर नकदी समेत सामान किया पार। दुकान में से 2500 की नकदी समेत मेवा मिष्ठान किया पार, अज्ञात लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजस्थान शिक्षक संघ की चुनी गई कार्यकारिणी, लगातार तीसरी बार गोविंद साहू को किया गया अध्यक्ष मनोनीत। सभी सदस्यों को चुना गया निर्विरोध, वहीं 20 अध्यापकों को जिला महासचिव समिति में भी निर्विरोध नियुक्त किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में कार्तिक चंद्रभागा पशु मेले का से आगाज हो गया है। 22 से 24 नवंबर तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं आज दीपदान के साथ महाआरती का होगा आयोजन। शाम को राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। जयपुर के चोमू कालाडेरा में अधिकारियों के मनमानी से पानी की सप्लाई हो रही है बाधित। केवल एक आदमी को लगा रखा है कस्बे में पानी सप्लाई के लिए। अधिकारियों के फोन नहीं उठाने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, लोगों ने टंकी पर चढ़कर नारेबाजी। जैसलमेर में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रवेशक ने ली बैठक। जिले के विधानसभा क्षेत्रों के लिए की गई सभी चुनाव व्यवस्थाओं की ली गई जानकारी, आचार संहिता के पालन के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा। 12 में मौसम बदलने के साथ ही बढ़ रहे हैं रोगी, जिला अस्पताल का आउटडोर पहुंचा 1200 के पार। वहीं लाइनों को देखकर घर लौटने को मजबूर है मरीज, लेकिन जिला अस्पताल में उचित इंतजाम नहीं। सिरोही के पिंडवाड़ा में राजनीतिक गलियारों में चुनावी चर्चाओं का दौर गर्म, चाय की चुस्कियों के साथ सियासी चर्चाएं तेज। झालावाड़ के पिड़ावा में जैन संत ब्रह्मानंद सागर महाराज की जन्म जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, सुबह जैन पाठशाला के बच्चों ने भी निकाली प्रभात फेरी। वहीं नवयुवकों ने किए अस्पताल में मरीजों को दूध और फल वितरित, शोभा यात्रा में झूमते गाते दिखे श्रद्धालु। झालावाड़ के सुनेल कस्बे में ईद मिलादुल्नबी पर निकाला गया विशाल जुलूस, सभी समाज के लोगों ने किया जुलूस का स्वागत।
श्रीगंगानगर के विधानसभा चुनाव में निर्दलियों ने बिगाड़ रखा है समीकरण। कांग्रेस से बागी हुए जयदीप बिहानी ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, तो वहीं बीजेपी से बागी प्रहलाद टांक लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से चुनाव। चुरू के रतनगढ़ पुलिस की कार्रवाई, अवैध डोडा पोस्ट ले जाते ट्रक को पकड़ा गया, 13 बोरी अवैध डोडा पोस्ट किया गया जब्त। चना छिलके के बीच छुपा रखा था डोडा पोस्ट, 12 लाख रुपए बताई जा रही कीमत, दो लोगों को लिया गया हिरासत। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री और दामाद आज आएंगे जैसलमेर, दिल्ली से स्पेशल चार्टर्ड विमान से पहुंचेंगे जैसलमेर, 4 दिन जैसलमेर रुकने का कार्यक्रम। राजधानी में कैब चालक ने दिया अपनी ईमानदारी का परिचय, कैब में छूटे 1 लाख रुपए का बैग और लैपटॉप पुलिस को लौटा। चुनाव से पहले पेट्रोल दरों में कमी कर जनता को लुभाने की कवायद, आज 36वें दिन भी जारी, आज डीजल 31 पैसे और पेट्रोल 41 पैसे टूटा। झालावाड़ के भवानी मंडी की सीमाओं पर बने रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का टोटा है, जिसके चलते पैसेंजर्स को हो रही है काफी परेशानी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी तादाद में लोगों को किया गया पाबंद, करीब 742 लोगों को किया गया पाबंद।